और जो है सलफ़ के तरीके पर आ जाए। सलफ़ के तरीके पर भी वहाँ पर उसके अंदर जो कुरान से, क्योंकि देखिए सलफ़ का जो लिखा हुआ हमारे पास में आया, जो साहबा ने जो बात कही, अल्लाह के तो हदीस ने में जो बात कही, उलमा ने उसको छाँटा भी है। देखिए बातें तो बहुत सारी आएंगी, ये भी अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा, ये भी अल्लाह के रसूल सल्लम, ये साहबा ने कहा, ये भी हमारे पास में आया, तो उलमा ने उसको छाँट कर सही भी किया है। तो उसके अंदर भी अगर कोई बात सही में से भी अगर कुरान की आयत से हमको टकराती हुई मिलेगी तो हम उसको भी छोड़ेंगे, क्योंकि असल हमारे पास में क्या है, असल हमारी कुरान। तो कुरान के मुताबिक जो बात हमको मिलेगी, क्योंकि अब हमसे तो नहीं कह रहे साहबा के देखो ये वाला तरीके पर चलो, हमारे पास तो वो किताबों के जरिए ही आएगा। तो कुरान से अगर वो मेल खाता है, कुरान से नहीं टकराता है, तो फिर हम उस बात को हमको लेना पड़ेगा और उस तरीके पर हमको चलना पड़ेगा।